@9 काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ लेकर @9। दर्शकों, आज ऐसी स्टोरी पर बात होगी जिसके बारे में पिछले 3-4 दिनों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले मैंने सोचा कि इस स्टोरी के बारे में पूरा समझा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, तब इस पर बात हो। दर्शकों, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बात ना की जाए। दर्शकों, हमारे देश में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात करने को लेकर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं। दर्शकों, देश में जिहाद एक नेगेटिव शब्द है और इस शब्द को लेकर बार बार विवाद होता है, बार बार कंट्रोवर्सी होती है, और इस शब्द पर अब एक ठोस कानून की जरूरत है। दर्शकों, जिहाद बहुत सामान्य प्रक्रिया से एक बार साफ कर दूं कि जिहाद शब्द को बोलते समय किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट की बात नहीं है। जिस भी व्यक्ति के मन में उसकी अगर नियत साफ है तो आज जो भी बात है वो उसके लिए नहीं है। ये किसी भी रिलीजन में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कास्ट में अगर किसी के मन में उसकी नियत साफ नहीं है तो ये उनके लिए बात है। दर्शकों, जिहाद दो तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट जिहाद, एक होता है हार्ड जिहाद। सॉफ्ट जिहाद धीरे धीरे फैलाया जाता है, कई जरिए होते हैं उसके, पत्रकारों के जरिए। कुछ पत्रकार इसके पैसे लेते हैं और सॉफ्ट जिहाद फैलाते हैं। कुछ मूवीज आती हैं, आपने देखी होंगी, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं, किताबें छपवाई जाती हैं, इसको बोलते हैं दर्शकों सॉफ्ट जिहाद। दूसरा होता है हार्ड जिहाद। हार्ड जिहाद में आता है लव जिहाद, हार्ड जिहाद में आता है लैंड जिहाद, जमीन जिहाद। और आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि देवभूमि में अब यह मुद्दा बड़ा संगीन हो गया है। दर्शकों, बीते 2-4 दिन पहले एक ऐसा मुद्दा आया जहां पर टिहरी डैम के पास टूरिस्ट डिपार्टमेंट की जगह पर एक मस्जिद इलीगल तरीके से बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रशासन और ना ही शासन उसको हटवा पा रहा है। इलीगल है, इलीगल, क्योंकि जब टिहरी डैम बन रहा था तब वहां पर जो भी धार्मिक स्थल था, जिनके भी घर थे, जिनकी भी दुकानें थी, झोपड़ियां थी, सब खाली कराने के लिए कहा गया था सिक्योरिटी पर्पस। ऐसा हुआ, जिन लोगों का घर था उनको इसका मुआवजा दिया गया, जिन लोगों के धार्मिक स्थल थे उनको कहीं और बनवाया गया। यह मंदिरों के साथ भी हुआ, मस्जिदों के साथ भी हुआ। लेकिन दोस्तों, उस दौरान वहां कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद की मांग की और टेम्पररी रूप से एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। वो वर्कर्स, वो मजदूर चले गए, लेकिन वो मस्जिद वहीं की वहीं रह गई और उसको आज एक सेटल्ड मस्जिद का रूप दे दिया। यहां बात किसी कम्युनिटी के धार्मिक स्थल की नहीं, बल्कि इस बात पर है कि अवैध रूप से कैसे इतने दिनों से एक मस्जिद बनी हुई है जिसको लेकर तमाम स्थानीय लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि इस पर कार्रवाई कर सके। दर्शकों, बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर एक बात कही जो इशारा करती है इस ओर। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक परिवर्तन आए हैं उत्तराखंड में, जिसको लेकर उनकी सरकार सख्त होने जा रही है, जिसको लेकर चिन्हित किया जा रहा है कि उत्तराखंड में कहां कहां किस तरीके से कुछ लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहां पर धार्मिक स्थलों का निर्माण करा रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि जिससे रोहिंग्याओं को वहां पर रोका जा सके, उनको स्थापित किया जा सके। ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि जो डेमोग्राफिक परिवर्तन करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो लैंड जिहाद जो फैलाया जा रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि इसकी जांच की जाएगी,
और इसको रोका जाएगा। लेकिन टेहरी डैम के पास एक युवा है अक्षत बिलजवान, उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से प्रशासन के साथ उनकी गहमा गहमी हुई और क्या है वो वीडियो जिसमें वो प्रशासन के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि अवैध है, इसको हटवाइए, लेकिन प्रशासन समझ नहीं पा रहा। आप ये वीडियो देखिए। ये पुलिस पकड़ लो, मुकदमा करना कर दीजिए लो, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, डंडे मारने आप कह रहे थे, डंडे मारेंगे लो, मार लो डंडे, कितने मारते आप देखते हैं, हम सहेंगे उस चीज को यार। हमारे जैसे लोग वीर शिवाजी लाने पड़ता चले गए, पीछे ही हूँ मैं खड़ा साहब, पीछे ही हूँ। आवाज थोड़ी टोन डाउन कर, मैं आपके सामने आवाज टोन के मतलब की बात नहीं है, टोन डाउन कर ले मेरे सामने। क्या टोन डाउन कर लूँ, क्या टोन डाउन कर लूँ, ठीक है, क्या टोन डाउन करूँ, टोन डाउन कर ले कह रहा हूँ, टोन डाउन क्या कर लूँ सर, टोन डाउन कर ले कह रहा हूँ, क्या टोन डाउन करूँ बताइए ना, क्या टोन डाउन करेगा, क्या टोन डाउन करूँ बताओ ना, सर जी ने गलत बात बोली ना, उन्होंने सर जी, आप तहसीलदार हैं, आप तहसील कुछ चाहते हैं, सर जी ने गलत बोला ना, सर जी हाथ नीचे नहीं चाहिए, लाठी डंडे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो दर्शकों आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे थे, अक्षय बिलवान इनका नाम है, इनके साथ कुछ स्थानीय युवा हैं, ये स्थानीय लोग हैं जिनका ये भी कहना है और ये बात बहुत चौंकाने वाली है। इनका कहना है कि जो लोग मस्जिद में आते हैं वो स्थानीय नहीं हैं, क्योंकि ये खुद स्थानीय हैं और ये लोग उनको नहीं पहचान पाते, ये उनके आसपास के लोग नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आकर रह रहे हैं, और ये कब आए, कब ये आने लगे और कैसे ये यहां पर धीरे धीरे संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये समझ से परे। लेकिन अगर सरकार को इस बात की सुध है कि कुछ लोग यहां पर बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी रिलीजन की बात हो, किसी कम्युनिटी की बात हो, अगर किसी की सोच, अगर किसी की विचारधारा किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से, कहीं भी अगर देश के खिलाफ जाती है, देश के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाती है, अगर संविधान के खिलाफ जाती है तो यह गलत है, कानून के खिलाफ जाती है तो यह गलत है, मसला धर्म का नहीं है। अगर किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, अगर कहीं भी अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश की जाती है, तो ये दोस्तों देश की भावना के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसको महज सेंसिटिव टॉपिक बताकर रोक देना ठीक नहीं है। दर्शकों इस्लामोफोबिया का नाम देकर इसको डिसमिस कर देना ठीक नहीं है। इस पर बात की जरूरत है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि रुकने का वक्त चला गया, थमने का वक्त चला गया। दर्शकों ये चीज हम कई दफा देख चुके हैं, रेलवे स्टेशंस पर सड़क के किनारे मजार बना दी जाती है, रेलवे स्टेशंस पर बना दी जाती है,
दर्शकों, कहीं भी कुछ भी धार्मिक आस्था के नाम पर यह सब कुछ अब भारत नहीं सहेगा। और दर्शकों, अक्सर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एसडीएम से भी बात की थी। एसडीएम के साथ बातचीत का पूरा जो वीडियो है वो भी हमारे पास है, उसमें एसडीएम साहिबा क्या कुछ कह रही हैं और अक्षत उनके सामने क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस बात को भी आप सुनिएगा। और ये मस्जिद है, इस मस्जिद को जो निर्माण, जब इनका कहना है जो मंदिर मस्जिद समिति इनकी जो है, उस मस्जिद समिति के अनुसार पहले तो जो मस्जिद समिति के जो सदस्य हैं उनके अध्यक्ष, उनके सचिव, और ये जो मस्जिद जो वो समिति भी जो इनकी है वो अनऑथराइज्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है। फिर जब ये मस्जिद बनाई गई थी तो इनका कहना है कि जब जेपी जब ये टीरी बांध का निर्माण चल ही रहा था तो जेपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपने मजदूरों को नमाज पढ़ने के लिए दी गई थी। लेकिन क्या आज उन मजदूरों में से कोई उसका अध्यक्ष है या कोई उसका सचिव है? आज सचिव अध्यक्ष कौन है जो लोग बाहर से बैठ के उसको संचालित करते हैं? जो पूर्व में जो टीरी पुरानी टीरी के अंदर हमने देखा हुआ है कि पुरानी टीरी के अंदर जो मस्जिद थी उसके बदले में बोराड़ी के अंदर आज भी मस्जिद है, ठीक, और ये सबका अधिकार है, उनको वो अधिकार दिया गया, जमीन के बदले जमीन दी गई, मस्जिद के बदले मस्जिद बना के पुनर्वास के द्वारा दी गई। लेकिन आज ही जो अवैध अतिक्रमण है, इस अवैध अतिक्रमण को हम क्यों सकते? और कई बार हमारे संज्ञान में मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे जब इनके शुक्रवार के जुम्मे की जो नमाजें अदा की जाती है तो उस पर हमें शिकायतें भी मिली हैं, ठीक, ऑरल रूप से, मौखिक रूप से, कि जो यहाँ पे हमारे बहनें जाती हैं, कोई महिलाएं जाती हैं, तो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना या विभिन्न प्रकार के जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको यूज करना, ठीक, तो उसकी दृष्टि से भी ये चीज़ बहुत जरूरी है, बांध की सुरक्षा की दृष्टि से भी हटाना बहुत जरूरी है, और अतिक्रमण है तो तब तो हटाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब 25 तारीख तक का आपके पास समय था जिला प्रशासन के पास, तो अभी तक उसमें कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो थे ये हट गए, ठीक है, इन लोगों ने चाहे खुद हटाए चाहे जिला प्रशासन ने हटाया, लेकिन हमारे लोगों ने सपोर्ट करा ना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आयोग नहीं गया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई नहीं, शांतिप्रिय तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन आज इस अपॉर्चुनिटी में हमारा वही कहना है कि अगर हम इनको इतना समय इस चीज पे दे रहे हैं तो जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अगर आज मामला अल्पसंख्यक आयोग में है, कल ये मामला अगर हाईकोर्ट में चला जाएगा, परसों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, स्टे पे स्टे आते रहेंगे तो शायद ये मस्जिद कभी हट भी नहीं पाएगी। आप लोग मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, शॉर्ट में बात करें। आप लोग बहुत देर से यहाँ पे खड़े हो, मेरे को पता चल गया था मेरी दूसरी बैठक थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सरकारी लैंड थी जो टीएचडीसी को नामित की गई थी, वहां से टूरिज्म डिपार्टमेंट को गई टूरिज्म की दृष्टि से। उसके बाद जो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता पूर्व में क्या हुआ, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको पूरी एक्टिविटी बताऊंगी। ये फिर लैंड वहां से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी लैंड, तो इस वजह से टूरिज्म डिपार्टमेंट को अलॉट हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो टीपी कॉलोनी के जो लेबरर्स थे वो लोग यहाँ पे रहना शुरू हुआ, टेंटेड कॉलोनी में धीरे धीरे करके, फिर एससीसीआई यहाँ पे उन्होंने, उनकी भी गलती है कि उन्होंने इसके अलावा कोई वैकल्पिक जगह नहीं देखी, इस वजह से फिर उन्हीं में कुछ लोग होंगे विशेष समुदाय के, उन्होंने अपने बैठने के लिए पूजा अपनी जो भी उन लोगों का होता है मुझे नहीं पता, उसके लिए उन लोगों ने अपनी संरचना बनाई। वो संरचना होती होती वो जेपी मूल जो कंपनी थी वो तो चली गई यहाँ से, और हुआ क्या कि दूसरे लोग आ गए यहाँ पे उसका बोले बट धार्मिक बात जो है, मैं उसको धार्मिक दृष्टिकोण नहीं दे सकती क्योंकि मैं सरकार की तरफ से, मेरे लिए आप लोग भी उसी समान है, वो लोग भी उसी समान है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कि अगर किसी के द्वारा अभद्र टिप्पणियां करी जा रही हैं, किसी को इस तरीके से फोर्स्ड मैरिजेस वगैरह में जैसे आप बता रहे हैं ऐसे कोई एलिमेंट है तो आप हमें बताइए, स्पेशली जैसे आप फ्राइडे का दिन कह रहे हैं तो हम पुलिस विभाग से बोल करके यहाँ पे गश्त बढ़वाएंगे जिस टाइम पे इनके नमाज अदा करने का टाइम प्रकार से उन लोगों के अनवांटेड एलिमेंट है कि अगर ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते रहेंगे वो किसी मस्जिद को तोड़ने से उससे उनको मतलब हम ऑब्वियसली, लेकिन आप उनको रोकना ज्यादा जरूरी है अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, और वो बात है आप उसको दोनों को मिक्स मत करो। अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसमें रोल आता है, हम उन्हें बताएंगे इस टाइमिंग पे वो लोग अपनी गश्त बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज उनके द्वारा की जा रही है लेवल नेगेटिव पॉइंट है, उनको बंद किया जाएगा। रही बात अतिक्रमण की, अतिक्रमण में यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स है टोटल, वो था एक इन लेडी का, एक था एससीसी के जो टेंटेड कॉलोनी है, और तीसरा ये मस्जिद। इस बीच में मुझे नहीं पता पूर्व में क्यों नहीं किया गया, बट वर्तमान में मैं आपको कार्रवाई बता देती हूँ। वर्तमान में ये लोग अपील में आयोग चले गए हैं, हमें भी नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएगा तो उसको स्टे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता।
देहरादून में आपने सुना होगा, पूरे जिले की रेफरेंस में मैं आपको बात बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे एनएच में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे जहाँ पे भी अगर आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी आए हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनको हटाने के दिशा निर्देश क्लियर है, तो उनको हटाने का प्राविधान सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के पास में है। लेकिन नियमानुसार वो 25 तारीख की जो आप बात करें, 25 तारीख तक का टाइम था कि उन लोगों ने एक जवाब के लिए टाइम था, वो उस प्रक्रिया प्रशासन कर चुका है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब तक ये प्रशासन उसका जो स्टे ऑर्डर है उसको नहीं हटाता, अर्ज को वो लोग अगर अपील में गए ना तब उन्हें एडवांटेज मिल जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर हम लोग नियमानुसार चलेंगे ये हटेगा, ये एक दिन बाद हटेगा, 10 दिन बाद या एक महीने बाद, ये मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक वो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उनके पास अधिकार है जाने का, किसी भी आयोग में जाए, किसी भी कोर्ट में जाए, एक लिमिट के बाद में वो कोर्ट भी इनको स्टे ऑर्डर नहीं देगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो एनक्रोचमेंट में है, वो लोग उसमें अतिक्रमण में है, तो उन लोगों के पास अधिकार है जाने का जैसे कि हमारे पास अधिकार है। पर हम जो एक लॉ का जो बना हुआ संरचना है, जो नियम कानून है, उसको बाईपास करके हम भी नहीं जा सकते। अगर अल्पसंख्यक आयोग ने टाइम दे रखा है रिप्लाई ड्राफ्ट करने के लिए, जब तक वो अपनी स्टे ऑर्डर को नहीं हटाता तब तक हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर्यटन विभाग को हमारे द्वारा रिपीटेडली बता दिया गया है, पर्यटन विभाग पोजेशन लेने के लिए एकदम तैयार है। इसी वजह से हमने यहाँ का भी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने खुद आकर के अब से 3 दिन पहले मैंने अपने सामने खुद हटवाया है, ठीक है, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, वो लेडी मिशन प्रताप नगर थी उनके द्वारा भी हमारे लिए कोऑपरेट किया गया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और यही हम कोऑपरेशन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा कि प्रशासन इज नॉट एवरीबडी साइड, आपकी या उनकी या किसी व्यक्ति विशेष की साइड नहीं है, हम एंटी एनक्रोचमेंट की साइड है, हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे। HCC को भी हमने नोटिस दे दिया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बट HCC ऑल्सो है उसमें अपना टाइम बढ़ाने के लिए एक लेटर डाल दिया है DM साहब ने, सो वी आर वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के इंक्रोचमेंट के फेवर में नहीं है, बी इट दिस, बी इट HCC और बी इट मस्जिद, हमारे लिए सब बराबर है। मस्जिद के लिए प्रॉब्लम यही है कि वो लोग स्टे ले आए हैं, वो अलग बात है कि उसकी वजह से जो आपके अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको भी हो सकता है, तो उसके लिए हम पुलिसिंग अपनी बढ़ाएंगे, अपना लॉ एंड ऑर्डर की इट विल बी रिमूव, बट कितने दिन बाद, उनके पास अधिकार है यार, वो लोग रजिस्टर्ड सोसाइटी है, नहीं रजिस्टर्ड है, उसके लिए हम अपील में जा सकते हैं अगर किसी प्रकार से वो लोग लॉन्ग स्टे लेकर के आ जाते हैं, पर उनके पास अधिकार है, उस लॉ एंड ऑर्डर का जो नियम कानून है उसको सरकम बाईपास करके हम भी नहीं जा सकते ना, कल को हमारे लिए पर्सनल नोटिस आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, वो हटना चाहिए यहाँ से क्योंकि वो इंक्रोचमेंट में है, ठीक है। और कुछ आप बताना चाहते हैं मेरी बात? तो दर्शकों, ये मसला महज एक जगह का नहीं है, ये मसला बड़ा है, ये मसला महज इतना सा नहीं है कि ठीक है एक मस्जिद है ठीक है हट जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें आम होती जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब ये नया नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही होगा, इसलिए इस पर बातचीत की जरूरत है और इस पर सबको सोचने की भी जरूरत। दर्शकों, हम लोग आए दिन दिल्ली में लगातार वीडियोस आते हैं, लगातार फोटोज आती हैं कि देखिए यहां पर बीच रोड के किनारे मजार बना ली गई, कि देखिए सड़क के किनारे मजार बना ली गई। इसलिए ये बड़ा विचारणीय है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसको महज टाला नहीं जा सकता ये कहते हुए कि ठीक है हो जाएगा, वहां का प्रशासन इसको ठीक देख लेगा, ये उससे बड़ा है। जैसे लव जिहाद के खिलाफ कानून बन रही है, वैसे ही लैंड जिहाद, जमीन जिहाद के खिलाफ भी कानून बनाने की जरूरत है, इसको सोचा जाना चाहिए, क्योंकि महज एक आश्वासन या फिर कुछ लोगों के लिए इसको नहीं छोड़ देना चाहिए कि उनका काम है। भला क्यों विश्व हिंदू संगठन या फिर कोई हिंदू संगठन के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि यह इनका काम है, और अगर वो इस चीज के खिलाफ बोलते हैं तो इसको कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम? अगर अवैध ठीक है,
बिल्कुल, अगर अवैध रूप से होती है चीजें तो कैसे चलेगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। भसीन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी भसीन साहब आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है भसीन साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी बीते दिनों पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कुछ एक कम्युनिटी के जरिए यहाँ पर कुछ लोग आके बसाए जा रहे हैं, नए लोग बसाए जा रहे हैं, कुछ धार्मिक स्थल भी हैं जो बनाए जा रहे हैं, ये डेमोग्राफिक परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही एक खबर है भसीन साहब, टेहरी डैम से आ रही है, तो वहां पर एक मस्जिद है जो इल्लीगल रूप से बनी हुई है, काफी लंबे समय से बनी हुई है, इसको लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी चीजें बार बार देखने को मिलती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए डेमोग्राफिक परिवर्तन अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है और हमको इतिहास से भी और पिछले दशकों में जो घटनाएं हुई हैं उनसे सबक लेना चाहिए। अवैध निर्माण चाहे किसी प्रकार का भी हो, धार्मिक हो तो और गंभीर बात है, या किसी प्रकार का भी हो अपने आप में गंभीर बात है। तो अगर डेमोग्राफिक परिवर्तन किसी एक निर्धारित जी भसीन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? भसीन साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, भसीन साहब से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डैम पर ही अवैध मस्जिद बना दी गई है, बताइए डैम के किनारे ही अवैध मस्जिद बना दी गई, और कब तक इस चीज को महज एक खबर की तरह, एक घटना की तरह लेते रहेंगे, सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे? इस पर बात होनी चाहिए कि क्यों, किस तरीके से एक विचारधारा या एक सोच के लोग गलत नीयत के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। हम धर्मांतरण देख रहे होते हुए, हम लफ्जियात की खबरें आए दिन देख रहे हैं, हम लैंड जियात की खबरें आए दिन देख रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर लेंगे। भला ऐसा कैसे पॉसिबल है किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट ना कर लें लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे? सोचिए, आप आतंकवाद पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे एक धर्म टारगेट हो जाएगा, आप धर्मांतरण का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि इससे एक धर्म टारगेट हो जाएगा, सोचिए। तो भसीन साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भसीन साहब चले गए थे। तो भसीन साहब आप बता रहे थे डेमोग्राफिक परिवर्तन के बारे में, जो कुछ मुख्यमंत्री ने एक्शन लेने की बात की है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इतिहास के पन्नों से सबक लेना चाहिए और हमने इतिहास में देखा है कि जब कभी किसी विशेष योजना के तहत डेमोग्राफिक परिवर्तन होता है जी, तो उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम निकलता है जी। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से जो एजेंसीज हैं अभी सूचना की उनके द्वारा संकेत किया गया है, तो उस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अभी आपने जिक्र किया कि टेहरी में एक अवैध निर्माण हो रहा है धार्मिक स्थल का, तो अपने आप और अधिक गंभीर मामला है। तो इन सारी परिस्थितियों में सरकार पूरी सतर्कता से काम करेगी, किसी प्रकार से कोई षड्यंत्र अगर हो रहा है तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा, समाज के अंदर संतुलन रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, और अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है किसी निर्धारित योजना के तहत तो उसको भी हमको समझना होगा। भसीन साहब ये उसके बारे में समझी, पूरी प्लांट फुल प्रूफ प्लांट एक साजिश सी लगती है, जिस तरीके से धीरे 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 लोगों को प्लांट करने की कोशिशें हो रही हैं, इससे कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, विदेशी फंडिंग, इस तरीके की चीजें भी निकल कर सामने आती है, इनसे कैसे? ठीक है, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और इसीलिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में अपना बयान भी दिया और जो हमारी सतर्कता की एजेंसियों में काम कर रही हैं अधिकारियों को भी निर्देश किया गया है, और अगर कहीं पर भी चीजें सामने आ रही हैं तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। क्योंकि अभी आप जिस बात का संकेत कर रहे हैं वो केवल संकेत तात्कालिक महत्व के नहीं है, उनका दूरगामी परिणाम निकलता है, और हमने अपने देश के अंदर इस प्रकार की चीजों को देखा है, तो ऐसे कोई और चीज बिगड़े या किसी और रूप में ये परिवर्तित हो जाए उससे बहुत बेहतर होगा कि हम समय पर ही इस पर जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो हमें उचित कार्रवाई अभी करनी है उसे कर लेना चाहिए। अगर समय निकल गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल इसका विरोध करते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें भी चिंतन करना चाहिए,
लेकिन चूंकि केवल एक राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो इसलिए राष्ट्रहित और प्रदेश की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व इस बारे में बहुत गंभीर है और इसीलिए सब चीजें जो है आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व इसके बारे में उचित कदम उठा रहा और आगे भी उठाएगा। जी बिल्कुल भसीन साहब, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश के खिलाफ जो ताकतें काम करी इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसी भी पार्टी से या किसी भी। बिल्कुल भसीन साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब सरकार का पक्ष रखने के लिए, बात बताने के लिए। इस पर एक्शन की बिल्कुल जरूरत है, जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा उतना ठीक, अगर जरा भी कहीं भी चूके, जरा भी लेट हुए और इन ताकतों को बल मिल गया जो देश में एक पर्टिकुलर एजेंडा लेकर देश में कुछ नापाक तरीकों से एक साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, तो याद रखिएगा देश को बड़ा नुकसान होने वाला है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, एक बार फिर आपसे बात करूंगा और उस मुद्दे के साथ आऊंगा जो भारत के लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि यहां पर रात के 9 बजे सिर्फ भारत की बात होगी, भारत एट 9। कल रात मिलते हैं, एक बार फिर शुक्रिया।